नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बागपत और अलीगढ़ का दौरा। आज 11 बजे बागपत पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गेटवे इंटरनेशनल स्कूल के ग्राउंड में होगा कार्यक्रम। आरएलडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी रहेंगे मौजूद। एनडीए प्रत्याशी राजकुमार सागवान का करेंगे प्रचार। कार्यक्रम में 30,000 लोगों के पहुंचने की संभावना। 2:10 पर अलीगढ़ में करेंगे जनसभा और गवाना तहसील के सामने मैदान बरौली और अलीगढ़ में करेंगे जनसभा को संबोधित। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बागपत और बात करें तो अलीगढ़ का आज दौरा है। और इस दौरान दौरे की बात करें तो सुबह 11 बजे बागपत पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गेटवे इंटरनेशनल स्कूल के ग्राउंड में होगा कार्यक्रम। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। एनडीए प्रत्याशी राजकुमार सागवान के पक्ष में इस दौरान प्रचार भी करेंगे और कार्यक्रम में 30,000 लोगों के पहुंचने की भी संभावना जताई जा रही है। 2:10 पर अलीगढ़ में करेंगे जनसभा और गवाना तहसील के सामने मैदान और बरौली अलीगढ़ में भी करेंगे जनसभा को संबोधित। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा। सुबह 11 बजे बागपत पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गेटवे इंटरनेशनल स्कूल के ग्राउंड में ये कार्यक्रम होगा। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और एनडीए प्रत्याशी राजकुमार सागवान के पक्ष में करेंगे प्रचार। और ज्यादा जानकारी के लिए बागपत से हमारे संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विकास, अगर बात की जाए तो आज बागपत के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ कार्यक्रम और इस दौरान व्यवस्था प्रशासन की? आदित्यनाथ का बागपत का दौरा है और सबसे बड़ी बात है कि एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सागवान के पक्ष में यहाँ पर ये प्रचार करेंगे। विजय संकल्प रैली की शुरुआत बागपत से होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी आज यहाँ पर सभा में मौजूद होंगे। दोनों ही मिलकर डॉक्टर राजकुमार सागवान के पक्ष में यहाँ पर प्रचार करेंगे। यहाँ देखा जाए उसकी सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। गेटवे इंटरनेशनल कॉलेज के ग्राउंड में ही ये सभा होनी है और आज यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचना है। तो सबसे बड़ी बात देखा जा रहा है कि यह समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अमरपाल शर्मा, उनसे कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है एनडीए के डॉक्टर राजकुमार सांगवान की। इसी के चलते आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागपत पहुंचे हैं और यहाँ पर सभा को संबोधित करेंगे। बात माना जाता है कि आरएलडी बागपत का गढ़ है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा का यहाँ पर गठबंधन है। गठबंधन को देखते हुए यहाँ पर जो डॉक्टर राजकुमार सांगवान है उनकी स्थिति पूरी तरह मजबूत मानी जा रही है। पर जो स्थिति कल सस्पेंस आ रहा था कि समाजवादी पार्टी में यहाँ से कौन फॉर्म भरेगा, यहाँ पर देखने को मिला है कि जो पूर्व विधायक हैं अमरपाल शर्मा, उन्होंने यहाँ से फॉर्म भरा और अब यहाँ पर सबसे टक्कर देखने को मिलेगी है पंकज जी। बिल्कुल। और विकास, अगर आप बात करें, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पिछले चुनावों की बात करें तो इस दौरान बीजेपी का यहां पर थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन आरएलडी का गढ़ माना जाता है ये सीट। और ऐसे में अगर बात की जाए तो अब तो बीजेपी को आरएलडी का साथ है, तो क्या कुछ कहता है राजनीतिक समीकरण कितने इस दौरान अगर आप बात करें तो समीकरण बनता और बिगड़ता नजर आ रहा है? 2019 बागपत की जो लोकसभा है यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा है। 2014 में डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने अजीत सिंह को हराया था और 2019 में अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी को ही यहाँ सत्यपाल सिंह ने हराया था। लेकिन स्थिति यहाँ बदली है, पर माना जाता है कि जो आरएलडी बागपत का गढ़ है और आरएलडी की यहाँ पर वोटे हैं और लगातार यहाँ पर टक्कर देखने को मिलती है। कोई छोटे चुनाव हो, जिला पंचायत हो, जिला नगर निकाय के चुनाव हो, इस बार सबसे बड़ी बात देखने को मिली है कि आरएलडी ने यहाँ पर कब्जा करा है कि जिला पंचायत की जो सीट है वो भी आरएलडी के पास है। लेकिन बात मानने की सामने आएगी कि 2014-2019 लोकसभा चुनाव भाजपा के कब्जे में रहा था। अब जहाँ पर गठबंधन देखने को मिल रहा है भाजपा और आरएलडी का, तो दोनों ही वोटर एक जगह इकट्ठा होने पर जो स्थिति है एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सागवान की वो अच्छी देखने को मिल रही है। अभी तक जो कुछ सबसे बड़ी सस्पेंस की बात थी कि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी ने मनोज चौधरी को उतारा था तो यहाँ पर जांच काल खेला था, लेकिन जो नामांकन का आज चौथा दिन था कल, तो यहाँ पर ये सस्पेंस पूरा करा गया और मनोज चौधरी का टिकट काटा गया और अमरपाल शर्मा को यहाँ पर टिकट दिया गया और जो ये वहां पर ब्राह्मण कांड खेल, तो स्थिति बदल गई और स्थिति बदलते ही देखने को मिली है कि यहाँ पर जब जो अमरपाल शर्मा है और डॉक्टर राजकुमार सागवान बीच में कट्टर पूरी टक्कर देखने